तो आखिर हमारे सारे इंडियन रेसलर ने डब्ल्यू डब्ल्यू को क्यों छोड़ दिया? तो आज तक आपने डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जितने भी रेसलर देखे होंगे, भले वो वीर महान हो, भले वो जिंदर महल हो, भले वो शेंकी सिंह हो, इन सब ने भाई आज के समय में डब्ल्यू डब्ल्यू को छोड़ दिया। अभी डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर नहीं है। आज वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर इन सब ने डब्ल्यू डब्ल्यू को क्यों छोड़ा। रोमन रेंस की भाई ये फोटो लीक हुई है जिसमें भाई आप रोमन रेंस को देख सकते हो। आज वीडियो में भाई बहुत सारे अपडेट्स होने वाले, तो भाई वीडियो कहने से जरूर देखिएगा। सबसे पहले भाई मैं आपको इंडियन रेसलर के बारे में बताता हूँ, यानी कि वीर महान, जिंदर महल और शेंकी सिंह के बारे में बताता हूँ। नहीं भाई, इंडियन रेसलर गए थे डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, उन सबने आज भाई डब्ल्यू डब्ल्यू को क्विट कर दिया है। साफ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने सारे इंडियन रेसलर को रिलीज कर दिया है डब्ल्यू डब्ल्यू से। उसका मेन रीजन तो ये हो सकता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू इंडियन रेसलर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट तो देती नहीं है, ना कि वो अपने यूएस रेसलर को रिस्पेक्ट देती है। उसी के साथ साथ डब्ल्यू डब्ल्यू इंडियन रेसलर के साथ उतना आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंडियन रेसलर को बहुत कमी मौका मिलता है मैच को जीतने का। हमारे इंडियन रेसलर मैच को हारते ही हैं। हो सकता है जिससे कि हमारे सारे इंडियन रेसलर ने डब्ल्यू डब्ल्यू को छोड़ दिया। इंडियन रेसलर ने डब्ल्यू डब्ल्यू को छोड़ा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई आप सभी को बुरा लगना चाहिए क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर अब एक भी इंडियन रेसलर नहीं बचा है। भाई रोमन रेंस की मेरे को एक नई नई फोटो मिली है जिसके अंदर आप भाई रोमन रेंस का लुक देख सकते हो। रोमन रेंस भाई कैसे लग रहा है? रोमन रेंस ने कोट पैंट पहने हुए, उनके साथ में कोई आदमी भी है शायद। भाई रोमन रेंस एक फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए हैं। देख सकते हो कि रोमन रेंस अपने कोट के नीचे शर्ट नहीं पहना हुआ है और वहाँ से रोमन रेंस का चेस्ट का टैटू दिख रहा है। भाई रोमन रेंस का लुक, रोमन रेंस अब डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर नहीं है। रोमन रेंस बैकस्टेज क्या, रोमन रेंस गए हुए हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, मुझे तो ऐसे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप लोग मुझे भाई जरूर बताइएगा। मुझे रोमन रेंस की एक नई फोटो मिली जो कि मेरे को लगा आप सभी को बतानी चाहिए। और भाई आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि भाई मेरी आवाज बिल्कुल ही अलग आ रही है, क्योंकि जो भाई मेरा पिछले वाला फोन था जिसमें एडिटिंग करता था वो फोन भाई अब खराब हो चुका है। ये वीडियो एडिटिंग मैं दूसरे वाले फोन में कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ी वॉइस अलग आ रही है। मैं भाई आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। बाकी आप लोग भाई वॉइस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। भाई नेक्स्ट अपडेट का शुरू करते हैं जो कि जुड़ी हुई हमारे कोडी रोड से। कोडी रोड को कौन फेस करने वाला है बैकलैश के अंदर? हो चुका है कोडी रोड को फेस करने वाले एजे स्टाइल बैकलैश 2024 के अंदर। मैच कंफर्म हो चुका है, एजे स्टाइल ने हरा दिया एले नाइट को। एजे स्टाइल वो रेसलर होने वाले हैं जो कि फेस करने वाले हैं कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए बैकलैश 2024 में। भाई कौन जीतेगा, कोडी रोड या फिर एजे स्टाइल? आप लोग मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है हमारे मेन इवेंट जय उसो से, हमारी पूरी की पूरी ब्रेडलाइन से। भाई आज वाली ब्रेडलाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2021 और 2022 वाली ब्रेडलाइन से। पहले वाली ब्रेडलाइन हुआ करती थी जिसमें जिमी उसो, जय उसो और रोमन रेंस हुआ करते थे। यही वाली ब्रेडलाइन हमें एक बार फिर से डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर वापस देखने को मिलेगी। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, ये भाई मैं बिल्कुल आपको सच बात बता रहा हूं। तो लेकर भाई एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। तो भाई अपडेट का कुछ ऐसा कहना है कि जो जय उसो है एक बार ब्रेडलाइन को फिर से एक साथ देखें, उनकी पूरी फैमिली वो वापस से एकजुट हो जाए। एक बार फिर से हमें डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर वही वाली ब्रेडलाइन देखने को मिले जिसमें जिमी उसो, जय उसो, पॉल हेमन और रोमन रेंस हो। अब इस बात को भाई बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा, भाई ऐसा डब्ल्यू डब्ल्यू कर भी सकती है। ये वाली ब्रेडलाइन वापस आपको डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर देखने को मिले तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? आप सभी लोग भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ अपडेट्स आई हो, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई ऐसी वीडियोस के लिए आप सभी लोग भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।